डेटिंग इज वन थिंग विच इज इतनी कॉमन नहीं थी, अभी कॉमन हो गई है. पहले बड़ी डिफरेंट टाइप की आशिकी होती थी. 2014 में ना एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आया हम सबकी लाइफ में, इंडिया में, जिसने हमारी डेटिंग लाइफ को चेंज कर दिया. कोई गैस कर सकता है? जियो नहीं, बीजेपी. हर चीज को बीजेपी से कनेक्ट कर दो. मोदी जी ने बोला अच्छे दिन लाएंगे, ये थोड़ी बोला सहेली दिलवाएंगे. इंडिया में ऑफिशियली एक डेटिंग एप्लीकेशन आ गई थी. Like there was an official dating app. कितना cool है ना. तुम्हें Facebook पे जाकर देखना, hello dear, you look like Jelena Dali. कह रही चूती है, उसी की फोटो है. There's an app, right swipe, left swipe, that's it. कितना सिंपल कर दिया डेटिंग को. बट क्या पता था वालों को कि हमारा मुद्दा डेटिंग नहीं है, हमारे पास गेम्स नहीं है खेलने के लिए. तो हमने उसका एंग्री बर्ड बनाया पहले. एक हाथ से जेट पकड़ा हुआ है, एक हाथ से आई एम सो सॉरी इफ यू आर अ विजुअल थिंकर. उन्होंने इमेजिन कुछ तो करा है मेरे को नहीं पता, बिकॉज यू ही नहीं होता. उस ऐप वालों को ना उसमें फीचर डालना पड़ गया 6 महीने बाद कि अगर गेम ही खेलनी है ना सालों, तो पहले 199 रुपए दो. और लड़कियों के लिए कितना मुश्किल हो गया ना. तुम राइट स्वाइप कर रहे हो, मैच. मजा इस चीज का है ना. लड़कियां एक्स्ट्रा स्क्रूटनी कर रही, नहीं इसको लेफ्ट करिए मैच हो जाएगा. फिर बोलना शुरू कर दिया, हेलो डियर यू लुक लाइक जेलिना डाली. मैंने तमीज से प्रोफाइल बनाई, तमीज से मेरा मैच हुआ. मैच होने के बाद फिर मैंने उसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ी. डिस्क्रिप्शन पढ़ी, मेरे को 3 सेकंड में पता चल गया वो लड़की जनकपुरी से है. उसने हालांकि साउथ दिल्ली लिखा हुआ था, मुझे फिर भी पता चल गया ये वेस्ट दिल्ली से है, जनकपुरी से है. पहले तो गोल्डन बाल, 3 शेड. एक शेड चल रहा है, हम एडमिट कर पा रहे हैं. 3 शेड नहीं है, डार्क ब्राउन, लाइट ब्राउन, ब्लॉन्ड. ऊपर से भगवान ने उनको कॉन्फिडेंस दे दिया हुआ है. कैसी लग रही है? बॉर्डर की शकीरा लग रही है. आपको नहीं बोला मैंने, साथ ही बालों की बात की थी मैंने, साथ ही मैंने एक ब्राउन हमें अच्छे लग रहे हैं. हम मिलने गए, मैं उसे पिक किया. कहती एक बात बताओ. मैं हाँ. कहती तुम बड़े इंटेलिजेंट बनते हो ना. मैं हाँ. कहती ट्रक वाले रात को डायपर क्यों पहनते हैं? मैंने अपने दोस्तों को कनाडा भी फोन कर लिया जो ट्रक चलाते हैं. मैं भाई डायपर पहनते होगा तुमने. मैं कहा मतलब ये है क्या? कहती ट्रक के पीछे लिखा था यूज डिपर. उसको मैंने LIT पिलानी थी. फिर मैंने क्वार्टर लेके दिया रोमनोव का. स्प्राइट में घोल के पी ले, मुक्का मारूंगा तेरे में. मुझे दोपहर के 11:30 बजे पता क्या कहती, मॉल में चलते हैं क्लबिंग करते हैं. मैं दोपहर के 11:30 बजे कौन सी मेरी पुआ वाला क्लब खुला है? सिर्फ रजौरी गार्डन में पॉसिबल है. रजौरी गार्डन में एक मॉल है सिटी सेंटर, उसके बिल्कुल पीछे एक मॉल है वेस्ट गेट. हम वहां पहुंचे. अब वो मॉल इतना शेडी है ना, सबसे पहला इनकाउंटर हुआ मेरा पार्किंग बूथ पे. पार्किंग बूथ वाला बंदा आगे से ये साउंड थोड़ी निकालेगा, वहां तेरा सिर खराब है. मैं कहा भाई साहब गाड़ी पार्क करनी है. कहता B1 B2 या B3? मैं कहा डिफरेंस? कहता B1 B2 ₹50. मैं कहा B3? कहता ₹50 घंटा. सुन 100 रुपये पकड़. B3 बता रास्ता का है. गाड़ी लेके गया हूँ नीचे, 3rd फ्लोर पर पहुंचा B3 पे. लाइन सिर वैगनर अल्टो सबके शीशे काले. उस पूरे पार्किंग लॉट में सिर्फ एक गाड़ी थी जिसके शीशे काले नहीं थे. इवन माई कार वॉज लाइक आई एम नॉट हेयर फॉर हुकअप्स ब्रो. मैं गाड़ी निकाल के ऊपर गया पार्किंग वाले के पास. मैं कहा क्या करता होता है यार? कहता सॉरी पाजी. मैं कहा ये पकड़ 500 का नोट. कहता क्या बात होगी? मैं कहा B4 बता कहाँ है.
कहता है उसने 100 रुपए वापस करे, कहता भाजी B1 में गाड़ी लगा के ना टॉप फ्लोर पे चले जाओ। मैं कहा वहां तो सिनेमा है। कहता हाँ बॉबी दिल की पिक्चर लगी। आपके जैसे 3 और कपल है, हाई फाइव करके कोने कोने पकड़ लेना। सेंटर में कहता सेंटर में कोई बैठते नहीं, हमने इस साइड लाइने रखी, इस साइड लाइने रखी, बीच में दरिया बिछा दी। हमने डेट किया कुछ अराउंड 25 मिनट और। बट नाउ इफ आई थिंक बैक, कितना डिफरेंट, कितना चेंज नहीं हो गया डेटिंग कल्चर। मतलब अभी अभी भी लोग ऐसे हैं जो पहली बार प्रोफाइल बना रहे हैं डेटिंग ऐप्स पे इस 2021 में आके। मेरा एक फ्रेंड है गोलू खुराना, पूरा नाम नहीं बताना, गोलू उसका घर का नाम है, गोलू खुराना नाम है उसका। कहते यार मेरी प्रोफाइल नहीं बना के दे रहा, एरर दे रहा है। मैं कहा दिखा। मैं कहा ये कह रहा तू शादीशुदा है? यही तो प्रॉब्लम है। मैं कहा फिर डेट करना क्यों है? कहता है ऐसे ऐसे क्या होता है? मैं कहा चल एक काम कर, एक नई ऐप है ग्लीडन, उस पर प्रोफाइल बना ले, लाइक डेटिंग के लिए ऐप है कि शादीशुदा लोग डेट कर सकते हैं। उसने प्रोफाइल बना ली। कहता भाई लड़की फोटो नहीं दिख रही। मैं कहा फोटो दिख नहीं रही, लॉक है। कहता क्यों? मैं कहा ये कह रहे हैं 25 रुपये दो तब फोटो दिखाएंगे। कहता छोड़ना यार, ओल्ड स्कूल आशिकी करेंगे, बिना फोटो देखे जाएंगे मिलने। कहता जाऊँ कहाँ? मैं कहा बढ़िया जगह बताता हूँ। वेस्ट गेट मॉल। कहता मॉल के थोड़ी लेके जाऊंगा। मैं कहा मॉल थोड़ी है वो, अबे माहौल है वो, वहां जाइयो पार्किंग वाले को बोलियो B3 और कर दियो साथ में। और सुन गाड़ी मेरी ले जा। ऐसा क्यों? कहा तेरी वाली के शीशे काले नहीं है ना। 2 घंटे बाद उसका फोन आया। मैं कहा फिर कैसी चल रही तेरी डेट? कहता यार डेट तो अच्छी चल रही है, ये तेरी गाड़ी का शीशा टूट गया। मैं कहा शीशा कैसे टूट गया? वो कहता यार वो जो लड़की डेट करने आई थी ना। मैं कहा हाँ। कहता तेरी भाभी निकली। मैं कहा वो ग्लीडन पे क्या कर रही है? कहता मैंने भी एटीट्यूड से यही पूछा था। मैं कहा फिर? कहता तभी तो शीशा टूटा है। सबसे डिफिकल्ट चीज़ अगर दुनिया में कुछ है ना भाजी लाइफ में गलती करने की, तो बीवी के साथ 1-to-1 टॉक करना इतना मुश्किल नहीं है जितना ससुर जी के साथ है। और सासू माँ सपोर्टिंग करेक्टर में साथ में बैठी हुई है। मुझे भी बुला लिया कि तू भी चल भाई मेरा सपोर्ट सिस्टम बन गया। अब उसका ससुर मुझे ही कह रहा है आप समझाते क्यों नहीं इसे। और मैं मन में सोच रहा हूँ मैंने तो कहा था भाई 25 रुपये खर्च ले। पूरा ज्ञान उसको दिया, मैं भी साथ में बैठा हुआ। कहते बेटा तुम तो समझाया करो ना इसको। मेरी मानता का है। मेरे को तो कहता ससुर जी को हॉस्पिटल लेके जाने में तेरी गाड़ी चाहिए। वहां फुल उसकी क्लास लग रही है, मेरे को आ रहे स्वाद। इतने में उसकी सासू माँ उठ के गई है अभी चाय लेने। उसके ससुर कहता सुनो अब यहाँ पे कोई लेडीज नहीं है, 3 मर्द बैठे हैं, तो मैं टू मैन तुम्हें एक बात समझा दूं। ये ऐप कौन सी है? मैं कहा अंकल ग्लीडन। और ये लो 25 रुपये। कहते क्यों? मैं फोटो देख लेना।